अच्छा ओके, सो लेट अस स्टार्ट ओके फॉर योर ठीक स्नैप फोर्स हीट ट्रांसफर। ठीक है, अच्छा आपके पास यहाँ पे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर आप बेसिकली देखते हैं आपके पास यहाँ पे, जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इन तीनों मोड में डिफरेंस क्या एक्चुअली है? सर, कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होता है बाय द कॉज ऑफ लैटिस वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड कन्वेक्शन में होता है सर ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। और कन्वेक्शन में सर अगर फोर्सफुली मूव हो रहा है फ्लूइड, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। एंड रेडिएशन में सर बेसिकली कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं होता है हीट ट्रांसफर के लिए। अच्छा रेडिएशन बता जरा, बस यहाँ पे जो रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है उसमें सर एक्चुअली में होता क्या, एक्चुअली में रेडिएशन जैसे एक सिंपल सी बॉडी है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, तो में कैसे वो रेडिएशन को एमिट कर रही है? सर कोई भी बॉडी जो कि 0 केल्विन केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर की होती है वो रेडिएशन को इमिट करती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, जिसको सर एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक जाने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो सर वो जब एक बॉडी से इमिट होता है तो दूसरी बॉडी पे जाके इंसिडेंट होता है, एंड दूसरे बॉडी का जो भी एब्जॉर्बिटी होता है उसके अकॉर्डिंग वो उस एनर्जी को अपने अंदर ट्रांसमिट करता है या रिफ्लेक्ट करता है उसके प्रॉपर्टीज के अनुसार, या फिर एब्जॉर्ब करता है ये हो सर। रहा है बाकी, मतलब आप ऐसा कंडीशन आ रही है अच्छा ऑप्शन अच्छा आपके पास यहाँ पे एक पैरामीटर हम पढ़ते हैं कौन कंडक्टिविटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। कौन सी कंडक्टिविटी कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करती है और क्या सर रिप्रेजेंट करती है कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी सर ये डिफाइन करता है कि एबिलिटी टू ट्रांसफर द हीट बाय द कंडक्शन, किसी बॉडी का थर्मल कंडक्टिविटी जितना ज्यादा होगा उसका हीट कंडक्शन कैपेसिटी उतना ज्यादा होगा। एंड सर ये टेम्परेचर, ये बेसिकली सर ये बॉडी का एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, बट ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे सर किसी बॉडी के लिए कम हो जाता है या किसी के लिए ज्यादा हो जाता है। जैसे सर गैसेस के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी का वैल्यू बढ़ जाता है, बट मेटल्स के केस में ये कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। एंड नॉन मेटल्स में सर कंडक्टिविटी हमेशा इंक्रीज करता है व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। अच्छा अच्छा सर अगर मैं आपके पास यहाँ पे लेट अस सपोज एक ये सिंपल सा 2 मटेरियल प्रोवाइड करूँ, एक अल्फा आयरन और ये आपके पास यहाँ पे अल्फा फेराइट है, ठीक सर है, तो इस केस में किसके आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? एक अल्फा आयरन आपके पास है, एक अल्फा फेराइट है, तो दोनों में आपके पास किसकी थर्मल कनेक्टिविटी ज्यादा? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, सॉरी सर। अगर आपके पास कास्ट आयरन और स्टील की बात की जाए क्या लगता है आपको किसकी ज्यादा होनी चाहिए, किसकी? स्टील स्टील की सर की ज्यादा होगी, क्यों? ज्यादा होगी सर, रीजन एक्चुअली मुझे पता नहीं है, बट सर स्टील का ज्यादा होगा जैसे मैंने पढ़ा है, बट रीजन सर एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा अभी आपने मेंशन करा कि आपके पास जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर का वेरी करती है, ठीक है, क्या आप मुझे यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट का स्लोप शो कर सकते हो? बेसिकली टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ करके दिखाओ जरा, आपके पास कोई ऐसे मटेरियल के लिए, एक सिंपल से मेटल के लिए लेट अस सपोज, जहाँ पे कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो रही है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के, तो टेम्परेचर प्रोफाइल कैसे बनेगा? इसका ऐसा बनेगा जहां पे टेम्परेचर सर ज्यादा होगा उसका थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सर उसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट की वैल्यू बढ़ जाएगी सर। अच्छा वो अच्छा ठीक है, अच्छा जो केस लेके चलते हैं, लेट अस सपोज अज्यूम करो कि आपके पास एक सिंपल आप सी स्लैब है, दो केसेस लेके बोल रहा हूँ, एक है स्लैब जिसका बोल एरिया कॉन्स्टेंट है, एक है कन्वर्जिंग पाइप, ठीक है ना, इस केस में टेम्परेचर प्रोफाइल कैसे रहे बनेगा अगर मेरे पास हीट ट्रांसफर अलोंग दी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है? दोनों ही केसेस में और उसके बाद यूनियन आप अपनी मर्जी से जो अजम्पशन लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है ना, आप बस मुझे एक्सप्लेन करो कि आप का कौन से अजम्पशन ले रहे हो और आपके पास कैसा टेम्परेचर प्रोफाइल बनेगा। इसलिए सर स्लैब है और एक कन्वर्जिंग प्रोफाइल है। एक आपके पास कन्वर्जिंग एक पाइप है, एक कांस्टेंट एरिया की स्लैब है, एक आपके पास कन्वर्जिंग पाइप है, तो दोनों ही केसेस में आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर प्रोफाइल कैसे बनेगा अगर हीट ट्रांसफर सिर्फ अलोंग दी एक्स एक्सिस हो रहा है तो?
तो मिनिमम कंपनी सर फर्स्ट केस में तो ऐसा बनेगा, अगर थर्मल कंडक्टिविटी अगर सर चेंज नहीं होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा सर T1 से T2 तक। थर्मल कंडक्टिविटी दोनों ही केसेस में कांस्टेंट है, वो वैरी नहीं कर रही, दोनों ही केसेस में कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर प्रोफाइल कैसे बनना चाहिए दोनों केसेस में? सर पहले केस में तो ऐसा ही बनेगा सर, सिंपल अगर के वो है एरिया अगर चेंज नहीं हो रहा है तो। सर दूसरे में सर दूसरे केस में सर एग्जैक्ट पता नहीं चला मुझको सर, क्यों एरिया पे डिपेंड करेगा थर्मल कंडक्टिविटी, बट सर थर्मल कनेक्टिविटी कैसे सर डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर थर्मल कनेक्टिविटी में कॉन्स्टेंट है प्रोफाइल सर दोनों सेम रहेगा सर दोनों के लिए सर में, सेम रहेगा? रहेगा। कैसे कह रहे हो आपके पास यहाँ पे सेम रहेगा दोनों में? आपने फर्स्ट वाले में कैसे टेम्परेचर प्रोफाइल निकाला? सर फर्स्ट वाले में क्योंकि सर थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है तो सर उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट भी सेम रहेगा DT/dx, कैसे बोल दिया आपने? क्योंकि सर अगर थर्मल कंडक्टिविटी अगर इंक्रीज कर देते हैं तो थर्मल ग्रेडियंट की वैल्यू कम हो जाती है, बॉडी में हीट चारों तरफ इक्वली अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट सर अगर थर्मल कंडक्टिविटी अगर हम डिक्रीज कर देंगे तो सर हीट चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगे, जिस वजह से टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, आपके पास जो फॉरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन हम डिफाइन करते हैं, कौन कौन से अजम्पशंस लेते हैं आप? उसमें अजम्पशंस होते हैं कि फ्लो स्टडी फ्लो हो रहा है, बॉडी आइसेंट्रोपिक और होमोजीनियस है, एंड वन डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, एंड सर अच्छा, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट लेते हैं सर एक्स डायरेक्शन में, इन वेरी नहीं करता है। ठीक है। अच्छा, ओके वेब लैग नहीं प्रॉब्लम फीडबैक। देखो, कुछ कुछ जगह पे लैग कर रहे हो, थ्योरेटिकल नॉलेज है अच्छी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। कुछ कुछ जगह लैग कर रहे हो थर्मल कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो एक बार पढ़ना कि थर्मल कनेक्टिविटी एक्जैक्टली में रिप्रेजेंट क्या करती है, और आपके पास अगर इंप्योरिटीज को आप ऐड कब करते हो तो थर्मल कनेक्टिविटी कैसे वेरी करेगी? जनरली आपके पास इंप्योरिटी को अगर आप ऐड करते हो तो थर्मल कनेक्टिविटी घट जाती है मेरे पास। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ स्टील और कास्ट आयरन, कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट ज्यादा है तो इंप्योरिटी ज्यादा है, तो उसकी थर्मल कनेक्टिविटी कम होगी एज कम्पेयर टू स्टील, ठीक है ना? आपसे मैंने बोला अल्फा आयरन और अल्फा फेराइट। फेराइट वर्ड हम तब यूज करते हैं जब आपके पास कार्बन है, और अल्फा डेल्टा गामा आयरन जो है ये प्योर आयरन को रिप्रेजेंट करता है। अब प्योर फॉर्म में हमेशा मेटल की जो कंडक्टिविटी है वो ज्यादा ही होती है, इसका ध्यान रखना, तो मतलब कि अल्फा आयरन की ज्यादा होगी। सेकेंड, आपके पास यहाँ पे जो अजम्पशन जो आप कह रहे हो ये टेम्परेचर प्रोफाइल ऐसे डिसाइड नहीं करते, ठीक है ना? टेम्परेचर प्रोफाइल देखो, आपके पास फॉरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन है, वो क्या बोलता है? क्यू इज इक्वल टू -KA dT/dx, ठीक है ना? अगर आप यहाँ पे देखो स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर जब हम लेते हैं तो हम बोलते हैं क्यू जो है वो कांस्टेंट है। जब आप बोलते हो आइसोट्रॉपिक एंड होमोजेनियस मटेरियल तो कंडक्टिविटी आपकी कांस्टेंट है, वो टेम्परेचर के साथ भी वेरी नहीं कर रही। अब फर्स्ट केस में स्लैब का एरिया भी कांस्टेंट है, ठीक है ना? तो DT/dx की वैल्यू क्या आएगी? -Q/KA, तो क्यू भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, तीनों के तीनों कांस्टेंट, और आपके पास DT/dx की वैल्यू आ रही है नेगेटिव में कांस्टेंट, तो टेम्परेचर प्रोफाइल स्टेट लाइन बन गया, ठीक है? सेकंड केस में जब मैंने आपको बोला कि आपके पास कन्वर्टिंग एरिया है तो क्यू तो कांस्टेंट है क्योंकि स्टेडी स्टेट है, के कांस्टेंट है क्योंकि आइसोटोपिक होमोजेनियस मटेरियल है, एरिया वेरी कर रहा था। अब आपको नहीं पता एरिया वेरी कैसे कर रहे हैं, तो इस केस में जो टेम्परेचर प्रोफाइल है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि मैं प्रोवाइड करूंगा कि एरिया कैसे वेरी कर रहा है उसके बेसिस पे। दोनों केसेस में टेम्परेचर पर सेम ही रहेगा। उससे पहले जो आपने बोला टेम्परेचर का वेरिएशन, वो बिल्कुल सही बोला, उसका टेम्परेचर प्रोफाइल वैसे ही बनेगा, और टेम्परेचर ग्रेडियंट जो TT/dx की वैल्यू है इनिशियली वो ज्यादा होगी, बाद में कम होगी, ठीक है? वो सही था, उसमें कोई इशू नहीं था। अच्छा, और कोई डाउट हो इसमें आपका जो भी पूछना हो? सर डाउट ये है कि जैसे सर मैं बार स्टेफनी ट्रेनिंग ले जा रहा हूँ तो सर ये टेम्परेचर प्रोफाइल सर अलग अलग केसेस के लिए पूछा जा सकता है क्या जैसे सर? आपके पास बेसिक पता होना चाहिए कि आपके पास यहाँ पे अजम्पशंस क्या है। यहाँ पे अजम्पशंस का मेन मोटिव था,
कि अजम्पशन समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। अजम्पशन दोनों में सेम थी, बस एक अजम्पशन नहीं थी, वो थी आपके पास यहाँ पे कि प्रिज्मेटिक बार नहीं है एक तरह से, आप ऐसा समझ लो। ओके तो उस केस में क्या चेंजेस हो सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए, कैलकुलेट करने को नहीं बोला जाता, पता होना चाहिए चेंज क्या, अप्रोच क्या ले रहे थोड़ा हो, तो भाई वो वो जरूरी है। थर्मल मैं कंडक्टिविटी के रिगार्डिंग जो बताया जितने भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट होते हैं, थ्योरी पार्ट है, उसको जरूर गो थ्रू कर लेना अच्छे से, वो जरूरी है, ठीक है ना। बाकी आपका जो रेडिएशन का भी आपने बताया वो सही बताया, रेडिएशन आप एक, हाँ रेडिएशन आपने बिल्कुल सही बताया था, रेडिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है ना। बाकी जो आपने बेसिक बताया वो सही है ऑलरेडी। और कोई डाउट आपके पास अभी? नहीं सर।